एक्सरसाइज 4.4 कसर बरवान के आपने बकरीद को नातिक बनाना है। बकरीद को नातिक बनाने से मुराद ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर है यानी बटा के नीचे वाली रकम, इसमें आपने जज़र नहीं रहने देना। बकरीद को नातिक बनाने से मुराद ये है कि बटा के नीचे आपने जज़र नहीं रहने देना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि आप इस तीन को बना दो दफ़ा जज़र लगा लें, यानी ना दो दफ़ा अगर हम तीन को जैसे डाल के लिखेंगे ना, ये दोबारा मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर बन जाएगा और दोबारा फिर हमारे पास तीन बन जाएगा। और इसके बाद देखिए ये चार तीन का जैसा जो नीचे वाली रकम आपने ऐसे लिख लेंगे, अब ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बच जाएगा तीन का जज़र और नीचे बच जाएगा चार। आप बटे के नीचे जज़र नहीं आ रहा, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी आपने इसे नातिक बनाया। अभी आपने मखरीज को नातिक बना रहे तो आपने 98 के ना तस्जी कर लें, सही है, तस्जी करने की आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी 2 4 8 और 2 9 18 इसी तरह 7 7 49 और 7 1 7, यानी देखिए इसमें ना 7 दो दफ़ा आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 14/7 2 ज़रा 2 और इसे आप लिख लें स्क्वायर रूट पे। उसके बाद आपने 14 को एक दफ़ा फिर ऐसे ही लिख लेना, ये 7 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप ये 14 7 पे डिवाइड हो रहा है, 7 1 7 और 7 2 14, ऊपर आपके पास बच रहा है 2 और नीचे 2 का जज़र है, तो अब इस 2 के बिना आप ना अगर 2 दफ़ा जज़र में लिख देना तो उसका मतलब यही है कि आपने 2 ही लिखा है, 2 दफ़ा मैंने इसे जज़र में लिख लिया है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा 2 का जज़र। अब ये भी आपने मखरिज में नाते बना लिए। पार्ट नंबर 3 इसका, इसमें भी आपने 8 की भी तस्जी कर लेनी है और 27 की भी तस्जी कर लेनी है। 8 की तस्जी करेंगे तो 2 4 8 2 4 2 1 9, इसी तरह आप 27 की भी तस्जी कर लें, 27 की 3 9 27 3 3 9 और 3 2 1 3, इसमें आपने लिख लें 6 लिख लें, उसके बाद 8 का लिख लें 2 की पावर 2 ज़रब 2 और इसका आप लिख लें 3 की पावर 2 ज़रा 3 और इसका भी स्क्वायर। उसके बाद देखिए आप ये 6 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 जज़र से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, ये 3 भी जो है जज़र से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, इस 2 के जज़र अभी मौजूद है, इस 3 की जज़र भी मौजूद है, तो दोनों के ऊपर एक दफ़ा ऐसे लिख लेते हैं, सही है, ये 2 की भी जज़र बात जाएगी, इस 2 की मैं दोनों पे एक साथ ही जज़र लगा लेता हूँ, सही है, ये हो जाएगा 3 2 6, ये भी 6 ये कैंसिल हो जाएगा, सही है, और ऊपर आपके पास बच जाएगा 1 और नीचे आपके पास 6 का जज़र है। उसके बाद करना क्या है, अब इस जज़र को कैंसिल कर लेना, तो आपने रैशनलाइज कर लें, यानी ना 2 दफ़ा 6 को इधर लिख लें यूँ ऐसे करके, सही है, आप ऊपर वाला 6 का जज़र 1 से ज़रा वो के 6 का जज़र ही बनेगा, लेकिन नीचे वाला 6 का जज़र का मुरब्बा बन जाएगा। उसके बाद आपके पास का बच जाएगा 6 का जज़र बटा 6, आप देखें बटे के नीचे आपके पास जज़र नहीं है, तो ये आपने मखरिज बना पार्ट नंबर 5 है, इसको भी आपने मखरिज को नातिक बना रहे हैं, तो इधर देखिए इधर जज़र है, लेकिन इसमें ना सेंटर में माइनस भी आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि आपने ना नीचे वाली रकम के रंग को नहीं लगाएंगे ना, उसे ना 2 दफ़ा लिख देना होता, साथ में इसे मल्टीप्लाई कर देता, सही है, तो लिखते हैं इसे 15/31 का जज़र -4 ज़रा, इसकी अलामत तब्दील करेंगे और 2 दफ़ा लिख देंगे, यानी 31 का जज़र -4 हो जाएगा और नीचे भी 31 का जज़र जमा माइनस को जमा चेंज कर देना, हाँ माइनस को अगर जमा होती तो यहाँ पर माइनस लिख लेना था, माइनस होती तो जमा, ऊपर वाली रकम को आपने मल्टीप्लाई कर देना, यानी 15 को ऐसे ही लिख कर 31 का जज़र जमा 4 को आपने यूँ ब्रैकेट में लिख लेना, और नीचे क्या करना है, नीचे हर सवाल में ना ए की 2 - b की 2 वाला फार्मूला बांध देना है, कैसे, अब देखें ये एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये फार्मूला बनता है a² - b² वाला है, तो एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा अगर माइनस में लिखा हुआ है तो आप दोबारा a की 2 - b की 2 भी बना सकते हैं, तो
नेक्स्ट टाइम भी आपके पास ये 15 ऐसे ही आ जाएगा, 31 का जजर भी ऐसे आ जाएगा, ये 4 भी ऐसे, और यहाँ पर देखें 31 का जजर कैंसिल हो जाएगा, 31 बाद जाएगा, ये 4 का जजर कितना स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। उसके बाद देखिए ये 15 ऐसे ही आ रहा है, उसके बाद 31 का जजर भी ऐसे ही आ रहा है, प्लस 4 ओवर। आप देखें 31 में से 15 16 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 31 का जजर जमा 4 और यही आपका आंसर। और इसका भी आपने सलूशन मखरिज को नातिक बनाने वाले तरीके से ही लेना है। तो इधर देखिए सेंटर में प्लस आ रहा है ना, ये जजर है, तो आपने इसे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि आपने ना डिनोमिनेटर जो है उसकी अलामत तब्दील करके आप ना दो दफा आपने यू लिखना होता है, याद अब समझ आ गई है। उसके बाद देखिए ऊपर वाली जो 3-2 का जजर 5 का जजर जो है वो 1 से ज़रब होगा, तो वही कदम आ जानी है 3-2√5। और नीचे हर सवाल में जब आपने रैशनलाइज करना है ना, नीचे हर सवाल में 1 ही 2 - 3 2 वाले बाहर पहली रकम है 3 इसका भी स्क्वायर माइनस दूसरी रकम है 2-5 का जजर तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाली आपने रकम एक दफा फिर ऐसे ही लिख लेनी है, नीचे देखें ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ये 2 जो है ना ये जजर से बाहर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और ये 5 चूंकि जजर के अंदर है तो ये ना 5 का जजर कैंसिल हो जाएगा, सही है। उसके बाद देखिए 3-2√5 तो एज इट इज आ जाएगा, ये 9 - ये 5 को 4 से जरा देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आप बच जाएगा 3-2√5 ओवर कितना बच जाएगा माइनस का 11, तो यही आपका आंसर। 3 का पार्ट नंबर 1 है, वो कहते हैं अगर आपके पास x की वैल्यू हो 2-3 का जजर तो आपने कीमत मालूम करनी है 1/x की, सही है। तो देखिए यहाँ पर 1/x है तो इसका मतलब ये है अगर इस रकम को उठाएंगे ना, यानी इसको बटन पर लेकर आएंगे तो 1/x हो जाएगा, अगर आप लेफ्ट साइड को बटन पर लेकर आएंगे तो आपने राइट साइड पर भी वही ऑपरेशन अप्लाई करना होता है, यानी यही रकम जो है ना एक्स वाली ये 1/x हो जाएगा, तो ये रकम भी किसके में तब्दील हो जाएगी 1/2-3 का जजर। देखिए यहाँ पर ये x बटे के बगैर था तो इसकी रकम बटे के बगैर थी, अब इसको मैंने बटे में कर लिया तो इसकी रकम भी क्या हो जाएगी बटे। अब देखिए जब भी दो रकम बटे में होती है इस रकम को हमने से रैशनलाइज कर लिया, तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, आपने इसके अलावा तब्दील करके दो दफा नहीं देना है, ये माइनस है तो आपने जमा करके दो दफा इसे मल्टीप्लाई कर देना, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम यानी ऊपर वाला रकम आ जानी है, और नीचे वाला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा, हर सवाल में ऐसा ही है, हर में ये नहीं किसी बार जब भी आपने रैशनलाइज करना तो नीचे वाला रकम में हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। 2-3 का जजर बटा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 का जजर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 2-3 का जजर बटा कितना बच जाएगा 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, तो ये क्या आपका क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपने x प्लस 1 और x की वैल्यू फाइंड कर दी है और x की वैल्यू आपको दी हुई है। अब देखें x प्लस 1/x मालूम करने के लिए मेरे पास एक तो x होना चाहिए और दूसरा 1/x होना चाहिए, अब x है यानी 1/x नहीं है, आप क्या करें आप ना इसी रकम को ना बटे में लेकर आ जाए यानी 1/x हो जाएगा, तो ये रकम भी बटे में आ जाएगी तो 1√3 प्लस 2। जब भी किस तरह की सिचुएशन होती है आपने क्या करना होता है रैशनलाइज कर देना, तो रैशनलाइज करने का तरीका यह था कि अलामत तब्दील करके अपने इसे दो दफा यू मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाली रकम 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम ऐसे ही आ जाएगी, नीचे आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि क्या बनना है हमेशा 1√(a)² - 1√2) बनना है, हर सवाल में ऐसे ही जैसे आपने रैशनलाइज करना यही सिचुएशन आएगी। 3 का जजर माइनस 2 तो ऐसे आ जाएगा, 3 का जजर कैंसिल हो जाएगा
और दो बस का कितना हो जाएगा चार। तो ये तीन का जैसे ऐसे आ जाएगा माइनस दो बटा चार में से आपका तीन माइनस का एक बच जाएगा। अब इस माइनस ने करना क्या है, इसने ऊपर वाले दोनों के नाम से तब्दील कर देंगे, ये जमा का ये हो जाएगा माइनस का और ये किसका हो जाएगा जमा। तो ये एक बटा एक्स की वैल्यू प्लस एक्स की भी वैल्यू आ गई है, एक बटा एक्स की भी वैल्यू है, तो आप इन दोनों को क्या करते हैं प्लस एक्स की वैल्यू आपके पास तीन का जैसे जमा दो प्लस ये वाला प्लस ठीक है। एक बटा एक्स की वैल्यू थी माइनस तीन का जैसे जमा समझ आ गई। उसके बाद देखते हैं ये तीन का जजर ऐसे ही आ जाएगा प्लस टू, ये माइनस तीन का जजर भी ऐसे आ जाएगा, ये प्लस टू भी ऐसे आ जाएगा, ये माइनस वाला ये जमा वाला से कैंसिल हो जाएगा, ये दो और दो कितने हो जाएंगे चार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर वन अब आपने सॉल्व करना है, तो इसमें आपने इसको मुख्तसर करना है। ये देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये तकरीबन क्वेश्चन नंबर वन के जैसा है, आपके पास तो बहुत से रेशनलाइज कर रहे हैं, रेशनलाइज करने के बाद आपका ये समझ सॉल्व हो जाएगा। इसको भी रेशनलाइज करना इसको मिला यानी इन दोनों का अलग अलग आप रेशनलाइज कर रहे हैं, वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ फाइव प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। आप इसे भी यहाँ पर रेशनलाइज कर रहे हैं यानी इसके अलावा तब्दील करके कितनी दफा लिखना होता है, यह सेंटर में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा के इसे भी आप रेशनलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा तब्दील करके आप इसे दो दफा लिख लें, सही है। उसके बाद देखिए ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपने पहले आपने ब्रैकेट में लिख लेना है और नीचे तो आपको पता है कि हमेशा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बनता है, यहाँ पर भी आपने इन दोनों को एक दफा ब्रैकेट में लिख लेना है और उसके बाद नीचे वाला जो है उसने तो हमेशा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ही बनना है। यहाँ तक समझ आ गई। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका यही होता है ना कि आपने पहला दफा ऐसा लिखा ये ब्रैकेट लिखनी होती है सारी, उसके बाद ये दूसरा अदद आपने लिखना होता है, अगर यहाँ पर जमा है तो यहाँ पर आपको जमा लगा रही होती है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा के ये अदद लिख लेती है। उसके बाद यही है आपने ब्रैकेट सारी ऐसे ही लिख लेनी है। लीजिए ये पाँच का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तीन का भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सही है। यहाँ पर आ जाए ये भी आपने इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेनी है, पहले अदद को आपने ऐसे लिख लेना है और ये दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ये दूसरा अदद आपने लिख लेना है। अब देखिए दो के जजर के साथ माइनस है ना, तो मैंने इधर माइनस लगा के और ये पूरा अदद ही नीचे ये पांच का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ये तीन का भी स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। तो उसके बाद देखिए वन को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ये सेम टू सेम आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये दो जो है ना पाँच के जिसके साथ जरा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों के जैसे एक हो जाएगा, ये जो तीन से जरा वो कितना हो जाएगा छः हो जाएगा और इसके नीचे बचा कितना बच जाएगा पाँच में से तीन निकाले दो, ये एक से जरा होगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये सेम टू सेम सारी रकम आ जाएगी, इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे दो पाँच से जरा होगा दस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये दो तीन से जरा होगा कितना हो जाएगा छः हो जाएगा और इसके नीचे भी कितना बच जाएगा, उसके बाद देखिए दो एलसीएम आ रहा है ना, एलसीएम कितना आ रहा है दो, दो एलसीएम आ जाएगा, ये दो कैंसिल हो जाएगा, ये सारी ऐसे ऊपर बन जाएगी। उसके बाद ये भी सारी रकम एज इट इज यहाँ पर आप याद आ गई थी आपको समझ। अब देखिए ये पांच का जजर ये पांच का जजर ये दोनों जमा में है ना, तो ये हो जाएगा दो पांच का जजर, सही है। उसके बाद देखिए ये माइनस तीन का जजर ये जमा का तीन का जजर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये जमा का दस का जजर ये माइनस का दस का जजर ये भी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद
ये माइनस छः का जजर, ये माइनस का छः का जजर, तो माइनस दो छः का जजर बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा? इन दोनों में से दो कॉमन आ रहा है, दो कॉमन ले लिया तो पीछे बच जाएगा पाँच का जजर माइनस छः का जजर बटा कितना है दो, तो ये दो दो से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी पाँच का जजर माइनस छः का जजर।